Hello and good morning everyone. My name is Yuval Vijay Bhasare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 12 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं मिलिंग कटर के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। सो आगे देखते हैं कि हमने पिछले बार पढ़ा था कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिंग कटर्स के बारे में, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम जो कि अच्छी होने वाले। तो मिलिंग कटर आखिर होता क्या है? मिलिंग कटर यानी क्या होता है? एक कटिंग टूल, ठीक है, एक सेकंड पॉइंटर ले लेता हूँ। एक कटिंग टूल जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे मिलिंग कटर। द रिमूव मटेरियल बाय मूवमेंट ऑफ मशीन और डायरेक्टली फ्रॉम द कटर। मतलब आप मशीन से भी उसको मूवमेंट दे सकते हो, या फिर कटर की खुद की एक पोजीशन तो होती ही होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे। प्लेन मिलिंग कटर कैन ऑल्सो भी डिफाइंड है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, और रोटरी टूल स्टील कटिंग टूल मिलिंग मशीन टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस विद इन द रिलेटिव मोशन ऑफ वर्क पीस एंड द कटर। मतलब एक स्टील का टूल है, रोटरी टूल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। कहां से? वर्क पीस से। मतलब एक ऐसा मटेरियल जहां से क्या हो रहा है, आपका मटेरियल जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिमूव हो रहा है। कैसे रिमूव हो रहा है? जब आपका जो टूल है वो क्या करेगा, एक मोशन पे घूमेगा, और आपका वर्क पीस जो है वो भी एक रिलेटिव मोशन में घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, आई होप सभी को मिलिंग कटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स। तो कौन से डिफरेंट टाइप्स है? तो सबसे पहला जो डिफरेंट टाइप का मिलिंग कटर है वो है प्लेन मिलिंग कटर। तो प्लेन मिलिंग कटर को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी और हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर। ठीक है, साइड मिलिंग कटर होता है दूसरा। साइड मिलिंग कटर क्या होता है, जिसमें से हम साइड से कटिंग कर सकते हैं। इसमें भी चार टाइप होते हैं, प्लेन, हाफ, स्टैगर्ड और इंटरलॉकिंग। ठीक है, एंड मिलिंग कटर। एंड मिलिंग कटर में क्या होता है, तो भैया इसके दो मेन टाइप होते हैं, सॉलिड एंड मिलिंग कटर और शेल एंड मिलिंग कटर। ठीक है, तीन टाइप हो गए। चौथा टाइप कौन सा है, मेटल स्लिटिंग मिलिंग कटर, जिसमें प्लेन और स्ट्रैगर टिप मिलिंग कटर इंपॉर्टेंट होता है। एंगल मिलिंग कटर में दो तरीके के एंगल मिलिंग कटर कर सकते हैं, मतलब एंगल से कटिंग कर सकते हैं, तो सिंगल एंगल और डबल एंगल। और फॉर्म्ड मिलिंग कटर, इसमें जो कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप, कॉर्नर राउंड और फॉर्म गियर कटिंग टूल होता है। ठीक है, अगर आपको स्लॉट बनाने हैं तो स्लॉट मिलिंग कटर यूज करेंगे, जिसमें से टी स्लॉट और डिवोटल स्लॉट मिलिंग कटर यूज करते हैं। थ्रेड मिलिंग कटर और फ्लाई मिलिंग कटर भी होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसका नाम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे मिलिंग कटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है मिलिंग कटर वो है प्लेन मिलिंग कटर। ठीक है, तो प्लेन मिलिंग कटर आखिर होता क्या है? तो यहां पर देखिए एक यहां पर सिलेंड्रिकल शेप है, जिसके ऊपर में क्या है, कुछ कटर जो है, देखिए कटर है, ये जो कटर है ये क्या हो गया, इस पर माउंट करते हैं। ठीक है, और ये जो कटर है ये पैरेलल टू द एक्सिस होता है, मतलब आपका जो एक्सिस रहेगा, आपका जो आर्बर रहेगा जिसके ऊपर आप लोग कटर को फिक्स करोगे, यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको पैरेलली क्या करेंगे, इसको अरेंज कर डालेगा। ठीक है, और उसके ऊपर ये क्या रहेंगे, जो आपका जो कटर्स है ये क्या करेंगे, इसके ऊपर माउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो स्पेसिंग होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जो कटर रहेगा इन कटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है आपके वर्किंग के ऊपर। जैसे अगर आपको बहुत हेवी वर्क करना है तो आप हेवी ड्यूटी यूज करेंगे, अगर आपको लाइट वर्क करना है तो आप लाइट ड्यूटी यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको हेलिकल ग्रूव्स कट करना है तो ये देखिए हेलिकल है, तो आप हेलिकल वाला कटर यूज करेंगे। ठीक है, जो प्लेन मिलिंग कटर होता है उसको आप लोग स्लैब मिलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैब मिलिंग भी कहा जाता है, नाम याद में रखिएगा। स्लैब मिलिंग कटर अगर आपको करके पूछा तो आप किसके बारे में लिखेंगे, प्लेन मिलिंग कटर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हार्ड मटेरियल के ऊपर से अगर मटेरियल रिमूव करना है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, प्लेन मिलिंग कटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लेन मिलिंग कटर। हार्ड मटेरियल रहा तो प्लेन मिलिंग कटर,
ठीक है, ध्यान में रहेगा सभी के। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप होता है साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग कटर यानी क्या, अगर आपको नाम से समझ में आ रहा है यार, कि अगर आपको साइड साइड से अगर कुछ कटिंग करनी है, आपके किसी भी वर्कपीस के साइड साइड से अगर कुछ कटिंग करनी है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, साइड मिलिंग कटर यूज करोगे। सिंपल है कि नहीं। अब आपके आपके वर्किंग के ऊपर वो वर्क रहेगा कि आपको स्ट्रेट सर्कमफेरेंस के लिए यूज करना है या फिर स्टैगर्ड टीथ, मतलब अलग अलग तरीके के कटिंग्स से दिखाने हैं, ज्यादा चिप्स निकालने हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, कटर यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अगर इंटरलॉकिंग, अगर दो अलग अलग साइज का, दो अलग अलग साइड से अगर आपको कटिंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो साइड मिलिंग कटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा सभी के। तीसरा इंपॉर्टेंट है एंड मिलिंग कटर। एंड मिलिंग कटर किस लिए यूज करेंगे भैया अपन, तो अगर मान लो अगर आपको होल्स बनाने हैं, आपको क्या करना है, होल्स बनाने हैं, स्लॉट्स बनाने हैं, पॉकेट्स बनाने हैं, ठीक है, स्लॉट बनाने हैं, पॉकेट बनाने हैं, छोटे छोटे होल्स बनाने हैं, कीवे बनाना है, कीवे बनाना रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड मिलिंग कटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंड मिलिंग कटर का यूज करेंगे। एंड मिलिंग कटर में जो पीछे का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है शैंक। क्या बोला जाता है, शैंक। और ये जो सामने होता है यहाँ पर क्या लगा रहता है, कटर। कटर जो है हेलिकल शेप में ऐसा घुमा हुआ लगा रहता है, जिसमें भी आप लोग अगर आपको टेपर, अगर आपको टेपर बनाना है, मतलब टेपर शेप में अगर कटिंग करनी है, तो आप टेपर कटर यूज करोगे, टेपर शैंक। अगर आपको स्ट्रेट कटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट शैंक यूज करोगे। अगर आपको शेल्स बनाने छोटे छोटे, तो आप लोग क्या करेंगे, शेल एंड मिलिंग यूज करोगे। और अगर आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अगर कटिंग करनी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शैंक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एंड मिलिंग कटर के बारे में। ठीक है, अब चौथा टाइप देख लेते हैं, मेटल स्लिटिंग सॉ मशीन। मेटल स्लिटिंग सॉ मशीन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखो ये सॉ के काम में कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने आरा मशीन में देखा होगा, जहाँ पे लकड़े की कटाई की जाती है, यहाँ पे जो है लकड़ा जो है कटाई की जाती है, तो वहां पे जो कटर यूज करते हैं उसको मेटल स्लिटिंग सॉ मशीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटल स्लिटिंग सॉ मशीन। अब इसका जो विड्थ होता है, ये जो विड्थ है इसका, ये जो विड्थ है, ये मैक्सिमम कितना एमएम का रहता है, 5 mm का, 5 mm से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कितना रखते हैं इसको, 5 mm। ये जो सिमिलर देखो, जो प्लेन आपने जो कटर देखा था, प्लेन कटर पहला वाला, उसी के तरीके का दिख रहा है, सेम टू सेम। देखो आपको दिखाता हूँ, ये जो प्लेन मिलिंग कटर है, सेम टू सेम ये इसी तरीके का कटर होता है। ठीक है, बस इसकी जो विड्थ होंगी ये कितनी रहेंगी, 5 mm की रहेंगी, और इसके इसका जो कटिंग स्पीड रहेगा वो भी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका कटिंग स्पीड भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, और इसमें जो नंबर ऑफ टीथ रहेंगे, नंबर ऑफ टीथ जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको दोनों, अगर मैंने दोनों कटर अगर एक साथ में ला के रख दिया, तो आप लोग पहचान पाओगे कि अगर नंबर ऑफ टीथ किसमें ज्यादा है, तो ये मेटल स्लिटिंग सॉ हो गया, इसकी विड्थ भी कम है, मतलब ये क्या हो गया, मेटल स्लिटिंग सॉ मशीन हो गया। समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, आरा मशीन में ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर नैरो स्लॉट्स अगर आपको बनाने होंगे, तो नैरो स्लॉट्स के लिए भी हम लोग मेटल स्लिटिंग सॉ भी यूज करते हैं। ठीक है, एंगल मिलिंग कटर। तो एंगल मिलिंग कटर देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एंगल में अगर आपको कटिंग करनी है, अगर आपको एंगल में कटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, एंगल मिलिंग कटर यूज करते हैं। जनरली हमने अभी तक के जो भी कटर देखे वो 90 डिग्री में कट कर रहे थे, लेकिन अगर आपको मान लो कुछ 45 डिग्री में कट करना है, तो आप लोग कौन सा कटर यूज करोगे, तो आप लोग यूज करोगे एंगल मिलिंग कटर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो रहेगा, ये सिंपल एंगल मिलिंग कटर है, मतलब यहाँ पे एक ही साइड से एंगल दिया हुआ है। जनरली एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री का होता है और 60 डिग्री का होता है। दो तरीके के एंगल यहाँ पे देते हैं, या तो 45 डिग्री का देंगे या तो 60 डिग्री का देंगे। ये कौन सा कटर हो गया, सिंगल एंगल, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। या फिर अगर आप लोगों को मान लो वी ग्रूव बनाने हैं, वी ग्रूव मतलब वी तरीके से आपको कट करते हुए जाने का है, वी तरीके से, तो आप लोग दोनों तरफ से एंगल दोगे, यहाँ से भी एंगल दोगे और यहाँ से भी एंगल दोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल एंगल मिलिंग कटर। क्या बोलेंगे, डबल एंगल मिलिंग कटर। अब इसका एंगल कितने डिग्री का देते हैं हम लोग, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, या फिर हम लोग इसको 90 डिग्री का भी कट दे सकते हैं। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा हम लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो
तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल दे सकते हैं। समझ में आ गया सभी को बच्चा? एक होता है सिंगल एंगल मिलिंग कटर और एक होता है डबल एंगल मिलिंग कटर। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है टी स्लॉट मिलिंग कटर। तो अगर आपको टी स्लॉट बनाते हुए चलना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? टी स्लॉट मिलिंग कटर यूज करोगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है? ये कटर है, जिसको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं ताकि आप लोगों का टी स्लॉट बन जाए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्लॉट बना देते हैं आपके प्लेन मिलिंग कटर की मदद से, और उसके बाद अगर आपको उसको टी स्लॉट में कन्वर्ट करना है तो फिर आप लोग उसमें टी स्लॉट मिलिंग कटर यूज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मिलिंग वहां पर पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका वाला, फॉर्म्ड कटर। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के प्रोफाइल्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप आड़े तिरछे से शेप बनाने हैं आप लोगों को, तो आप लोग कौन सा कटर यूज करोगे? तो भैया आप लोग फॉर्म्ड कटर यूज करोगे। फॉर्म्ड कटर आप लोग इसमें यूज करेंगे, इसमें तीन टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें तीन टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है कॉन्वेक्स टाइप। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो कटर रहेगा ये कौन से शेप का रहेगा? कॉन्वेक्स शेप का रहेगा। कौन से शेप का रहेगा भैया? तो कॉन्वेक्स शेप का रहेगा। और कॉन्वेक्स शेप से आप लोग कौन सा प्रोफाइल बना सकते हो? तो कॉनकेव बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कॉनकेव शेप बना सकते हो। ध्यान में रखना, अगर आपका कटर कॉन्वेक्स शेप का रहा तो कटिंग तो ऐसी होगी, मतलब आप कौन सी बना सकते हो? कॉनकेव बना सकते हो। और दूसरा जो टाइप है कॉनकेव कटर। ठीक है, तो कॉनकेव कटर से आप लोग कौन सी कटिंग कर सकते हो? कॉन्वेक्स कटिंग कर सकते हो। कौन सी कटिंग कर सकते हो? कॉन्वेक्स कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तीसरा टाइप होता है यहाँ पे गियर कटर। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर की कटिंग करनी है, टूथ प्रोफाइल बनानी है गियर के लिए, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? गियर कटर यूज करेंगे। एक और टाइप होता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर राउंडिंग मिलिंग कटर। कॉर्नर राउंडिंग मिलिंग कटर मतलब आपको अगर सर्कुलर पेरिफेरी बनानी है, सर्कुलर अगर आपको कटिंग करनी है, पूरा गोल गोल बना के देना है आपको, तो क्या करेंगे हम लोग? कॉर्नर राउंडिंग मिलिंग कटर यूज करेंगे। समझ में आ गया सभी को? कॉन्वेक्स किस लिए यूज करेंगे? कॉन्केव शेप के लिए। कॉन्केव किस लिए यूज करेंगे? कॉन्वेक्स शेप के लिए। गियर की प्रोफाइल बनानी है तो गियर कटर यूज करेंगे, और गोल गोल पेरिफेरी बनानी है तो कॉर्नर राउंडिंग मिलिंग कटर यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी एक लास्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मिलिंग कटर के मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वो कितने भी ज्यादा टेम्परेचर में चले जाए, कितने भी ज्यादा टेम्परेचर में अगर वो काम करे फिर भी उसकी हार्डनेस जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए वो। और उसको क्या कहा जाता है? उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेड हार्डनेस। क्या कहा जाता है उसको? रेड हार्डनेस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो टूटना नहीं चाहिए। कितना भी हार्ड मटेरियल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी वो उसमें वियर नहीं आनी चाहिए, वो एब्रेसिव नेचर का होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? हाई एब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई एब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्या है कि वो टूटना भी नहीं चाहिए। आपका मटेरियल जो है बहुत ज्यादा हार्ड भी रह सकता है, तो वो क्या होना चाहिए? टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो तीन तरीके के यूज करते हैं। एक HSS यूज करते हैं, एक सीमेंटेड कार्बाइड यूज करते हैं, एक कास्ट अलॉय यूज करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टाइप के जो है हम लोग मिलिंग कटर्स यूज करते हैं। ठीक है, कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट मैटर आ जाता है कि आपको पैसा भी देखना पड़ता है कि भैया कितना पैसा लगेगा कटर के लिए। तो जहां से आपको सस्ता इकोनॉमिकल कटर मिलता है आपको वही से और उसी प्रकार का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। हमने आज क्या देखा? मिलिंग कटर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर को हम लोग डिफाइन कर पाए। ठीक है, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ मिलिंग कटर, मतलब आपको एक क्वेश्चन एक मिलिंग कटर का नाम दे देगा और बोलेगा चलो इसको डिस्क्राइब करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे? उसका डायग्राम बनाओगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दोगे। ठीक है, डिस्क्राइब मिलिंग कटर प्रॉपर्टीज। तो कटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या रह सकती है? तो आप कटर की प्रॉपर्टीज बता देंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां आज हम पढ़ेंगे मिलिंग मशीन ऑपरेशंस के बारे में। थोड़ा सा लेक्चर ये लंबा रहेगा, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।